हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग लीडर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा मतलब कि अच्छी और यूजफुल और हेल्पफुल बिगनर्स और टीनेजर्स के लिए। इवन जिसको भी चाहिए कि वो किसी भी पार्टी के लिए कोई लुक तैयार करके जा सके, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप रखे हैं। इस प्यारी सी लुक को मैंने क्रिएट किया है पार्टी वेयर के लिए, तो आप देख सकते हो कुछ भी ज्यादा ओवर नहीं लग रहा। आई शेडो लुक बहुत ही ज्यादा सटल है, बेस मेकअप बहुत ही ज्यादा नेचुरल लग रहा है, और इवन ये लिप शेड बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप जानना चाहते हो मैंने स्टेप बाय स्टेप ये पार्टी लुक कैसे क्रिएट की है, तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आप मेरी वीडियोस देखते हो, देन गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो हमारी भी लगती है। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करके ही जाया करो। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो गाइस मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए यूज कर रही हूँ NYB का ऑरेंज कलर करेक्टर प्राइमर, क्योंकि मेरे हल्के से डार्क सर्कल्स हैं फेस पे, कुछ कुछ जगह पे डार्क पिगमेंटेशंस हैं, तो उसके लिए मैं ये प्राइमर यूज कर रही हूँ। इसमें आपको तीन शेड मिल जाएंगे, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो। अगर आपके भी डार्क सर्कल्स या डार्क पिगमेंटेशंस हैं फेस पे, आप भी ये प्राइमर यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा और अफोर्डेबल साइड पे भी है। तो अब इस प्राइमर को मैं मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में यहाँ पे अप्लाई करूंगी, ब्लेंड करूंगी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी, इस प्राइमर में हल्का सा ऑरेंज का टेंट है, आप देख सकते हो, कुछ इतना ज्यादा नहीं लग रहा कि ऑरेंज करेक्टर है, कुछ बहुत हल्का सा ऑरेंज का टेंट है, और ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज करता है। और इसे लगाने के बाद मेरा फेस मेरे को बहुत ज्यादा स्मूथ और हाइड्रेट फील हो रहा है, तो अच्छा प्राइमर है। और मैंने अपना मॉइस्चराइजर पहले से कर रखा है। और आप प्लीज वीडियो में मेरे बेबी हेयर्स को ना इग्नोर करना, टोटली इग्नोर। तो गाइस फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रिमल लंडन का SPF 20 फुल कवरेज फाउंडेशन। इसमें जो मेरा शेड है वो है वीट। पैकेजिंग काफी अच्छी है इसकी। मैंने आज से पहले इस फाउंडेशन को कभी यूज नहीं किया, तो मेरा फर्स्ट रिव्यू होगा इस फाउंडेशन पे। और यहाँ पे लिखा है ये फुल कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, तो देखते हैं ये फुल कवरेज फाउंडेशन है या नहीं। तो गाइस मैं ये बोलूंगी कि ये इसकी जो कंसिस्टेंसी काफी मतलब किसी ना लिक्विड सी है, आप देख रहे हो, मतलब गिर रहा है, फैल रहा है हल्का सा। आई होप ये मेरा शेड और ये फुल कवरेज फाउंडेशन ही हो जैसा ये क्लेम करता है। तो अब मैं इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी और साथ ही साथ नेक पे भी। तो गाइस इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्लेंड ब्रश, बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्रश है।
तो गाइस, इस फाउंडेशन की फुल कवरेज तो नहीं है, पर जैसे कि आप देख सकते हो इसकी मीडियम टू हाई कवरेज है, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसे फेस पे लगाने के बाद आप देख सकते हो फेस बहुत ड्यूई सा लग रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है। काफ़ी अच्छे से इसने मेरे पूरे फेस को मतलब कवर कर लिया है, और मैंने सिर्फ दो ही पंप लिए थे, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। तो गाइस, कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रेक वर्की का बाइट एंड हाइड लिक्विड कंसीलर। जो इसमें मेरा शेड है वो है सनसेट स्ट्रिपिंग। तो गाइस, कंटोर के लिए मैं यूज कर रही हूँ NYB का कंटोर। इसमें जो मेरा शेड है वो है टॉफी। मैं बोलना चाहूंगी, आई लव दिस कंटोर स्टिक, क्योंकि ये इतनी मक्खन की तरह आपकी स्किन पे ब्लेंड होती है, और दूसरा ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज से है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी कंटोर स्टिक है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। गाइस, अपने फेस के बेस को लॉक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे फेसिस कैनेडा का वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट, और इसमें SPF 20 भी है, और इसमें विटामिन ई और शिया बटर भी है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
गाइस ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे स्टेक वर्की का ब्लश। इसमें जो मेरा शेड है वो है कोरल और ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला शेड, स्पेशली ये वाला कोरल वाला। तो आप सबको मैं एक टिप देना चाहूंगी, अगर आप किसी पार्टी के लिए, किसी फंक्शन के लिए, किसी अच्छे ओकेशन के लिए तैयार हो रहे हो तो प्लीज आप थोड़ा सा डार्क कलर का ब्लश मतलब के वेयर करो या अप्लाई करो, वो चिक्स पे दिखेगा भी और अच्छा भी लगता है। क्योंकि फंक्शन और मतलब पार्टी वगैरह के लिए आप ये कर सकते हो, वैसे अगर आप डेली वेयर के लिए ब्लश को यूज कर रहे हो तो वो लाइट कलर का यूज करो, वही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को ये ब्लश बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे हल्का सा ब्लश अपने नोज पे भी अप्लाई करूंगी, नोज के टिप पे सिर्फ हल्का सा। तो गाइस हाइलाइटर हम लगाएंगे अपना पूरा मेकअप होने के बाद एंड में, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी जब हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं अपने आईज मेकअप की तरफ। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज फिल करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन की ब्रो पेंसिल और ये इतनी ज्यादा अच्छी पेंसिल है और ये सिर्फ 205 रुपीस की रिटेल करती है और इसमें जो मेरा शेड है वो है डार्क ब्राउन। और इस पेंसिल में आपको कोई स्पूली नहीं मिलता, आप जैसे कि देख सकते हो। तो आईब्रोज फिल करने से पहले मैं यहाँ पे अपने स्पूली की हेल्प से यहाँ पे अपने आईब्रोज को कॉम कर लूंगी। और इससे क्या है, कॉम करने से, फिल करने से पहले आप जब कॉम करोगे जो फाउंडेशन हल्का बहुत कॉम्पैक्ट कुछ भी लगा होगा वो भी साथ के साथ आईब्रो से निकल जाएगा। अब आईब्रोज को कॉम करने के बाद मैं इस मेबलिन आईब्रो पेंसिल के साथ स्ट्रोक्स में अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी। आईब्रोज फिल करने के बाद मैं फिर से स्पूली लेके अपने आईब्रोज को कॉम कर लूंगी कि जो अगर एक्सेस प्रोडक्ट कोई लगा हो वो भी निकल जाए और जो स्ट्रोक्स की लाइंस है वो भी ब्लेंड हो जाए अच्छे तरीके से आईब्रो में, कि वो एक नेचुरल लुक लगे। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, अगर आप ये पेंसिल ले रहे हो मेबलिन की आईब्रो पेंसिल तो आप प्लीज इसे हल्के हाथों से अपने आईब्रोज पे यूज करो। जैसे कि मैंने देख लिया ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, एक स्ट्रोक में आपको बहुत स्ट्रांग पिगमेंटेशन दे देती है। तो आप बहुत ही लाइट हाथों से अपने आईब्रोज फिल करो इस पेंसिल के साथ। तो नेक्स्ट गाइस अब मेरे फेवरेट मेकअप के पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम करेंगे अपनी आई शेडो लुक क्रिएट और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ निक्का के 9 कलर आई शेडो पैलेट। इसमें आपको सारे शिमर शेड्स मिल जाएंगे पर मेरे को फिर भी ये पार्टी वेयर फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है पैलेट। इसमें आपको टोटल 9 शेड्स मिल जाएंगे, सिल्वर, ब्लैक, पिंक, चैंपियन शेड, मैरून, गोल्डन, गोल्डन के 3-4 अलग अलग शेड्स हैं और लास्ट में ब्राउन। बहुत ही ज्यादा अच्छी पैलेट है तो आप इसका काम इसी वीडियो में आगे देख लोगे। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ये जो लाइट ब्राउन शेड है इसको अपनी क्रीज पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। गाइस मेरे को लगा था अगर इसमें सारे शिमर शेड्स हैं तो मतलब इनसाइड की भी जो शिमर पैलेट आती है उसकी तरह इतना ज्यादा शिमरी नहीं होगा, थोड़ा मैट इफेक्ट भी होगा, पर मेरे को लगता है कि मैंने गलत सोच लिया इसके बारे में, इस पैलेट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा शिमरी पैलेट है ये,
पर मेरे को शिमरी पैलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मेरे को आपको पता है कि मेरे को पर्सनली शिमर पैलेट्स और शिमर आई शेडो लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अच्छा तो लग रहा है पार्टी वेयर के लिए। तो गाइस, बैक कैमरा मैंने अपनी दूसरी आई पे भी, मतलब कि वही लाइट ब्राउन अपनी क्रीज पे वो कलर अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो। मैंने सोचा था मैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटिव लुक इससे क्रिएट करूँगी इस पैलेट से, पर मेरे को लग रहा है इसके सारे शिमर शेड्स हैं वो भी इतने ज़्यादा पिगमेंटेड, तो मैं अब ज़्यादा कुछ इसके कलर नहीं ले पाऊँगी क्योंकि सब शिमर शेड्स हैं। अगर मैं ज़्यादा कलर अप्लाई करूँगी भी तो वो इतना अच्छा लगेगा नहीं, तो मेरे को दो या तीन कलर से ही अपनी आई शेडो लुक क्रिएट करनी पड़ेगी। तो गाइस, यहाँ पे जो ये डार्क ब्राउन कलर है, मैं ऐसे पतले से ब्रश की हेल्प से अब अपने अपने वी पे, आउटर वी पे एक वी क्रिएट कर लूंगी इस कलर की हेल्प से। तो गाइस, बैक कैमरा मैंने अपनी दूसरी आई के भी आउटर वी पे वो कलर लगा लिया है डार्क ब्राउन वाला, एक वी क्रिएट कर लिया है हल्की सी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा जो सेंटर आई लिड है मैं अपने 1/3 पे क्या लगाऊं, कौन सा कलर लगाऊं, क्योंकि सारे कलर इतने ज़्यादा सुंदर हैं। मेरे को ये पिंक वाला कलर लगाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, पर मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिंक मेकअप वाली, मतलब पिंक आई शेडो लुक क्रिएट कर रखी है वीडियोज़ में, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किसके साथ जाऊँ। आई थिंक हमें कोई गोल्डन या ये सिल्वर कलर ट्राई करना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे जो प्यारा सा गोल्डन कलर है, ये लाइट गोल्डन कलर के साथ वाला ये डार्क गोल्डन कलर, मैं इसी आई शेडो पैलेट के एप्लीकेटर से इसे यहाँ पे अपने 1/3 लिड पे अप्लाई कर लूँगी। गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो ये गोल्डन कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। मेरे को ये पर्सनली पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और इसका वैसे तो प्राइस है 550 रुपीज़, पर ये नायका सेल पे मेरे को 275 रुपीज़ की मिली है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, तो मैं सबको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी ये पैलेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपको मेरी तरह बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आई शेडो लुक करना पसंद है और आपको कोई ऐसी पैलेट चाहिए अफोर्डेबल साइड पे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। आपको बहुत प्यारी प्यारी से 9 शेड मिल जाएंगे यहाँ पे। गाइस, बैक कैमरा मैंने अपने आई लैशेज अप्लाई कर लिए हैं, और काजल के लिए मैं यूज़ करूँगी L18 का आई ड्रामा बोल्ड ब्लैक काजल। गाइस, मस्कारे के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन का लैश सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा। इसका वॉन्ड मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वाटरप्रूफ मस्कारा यूज करने जा रही हूँ। अदरवाइज आप सबको पता है मैं वाटरप्रूफ मस्कारा इतना यूज नहीं करती, क्योंकि मेरे को डर रहता है वो मेरे लैशेस निकाल देंगे। गाइस, अब अपना हाइलाइटर भी लगा ही लेते हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अपना एक OG प्रोडक्ट, ये है मेबलिन का मास्टर क्रोम मेटेलिक हाइलाइटर। और इसमें जो मेरा शेड है, इसमें दो ही आपको पता है शेड आते हैं, और जो मेरा वाला शेड है इसमें है वो है मोल्टन गोल्ड। आपके पास कोई हाइलाइटर ब्रश नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है वैसे भी ब्रश से ज़्यादा अच्छे से आपकी फिंगर से हाइलाइटर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि मैं हर टाइम जब भी कोई भी हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ अपनी चीक्स पे, तो मैं सिर्फ मतलब अपनी फिंगर्स का यूज़ करती हूँ। आईब्रो बोन के लिए मैं किसी ब्रश का यूज़ कर लूँगी, पर एज अ फेस के लिए मैं सिर्फ अपनी फिंगर्स का यूज़ करती हूँ, और आई थिंक उससे ही अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई हो भी जाता है।
तो गाइस आप देख सकते हो फिंगर की हेल्प से कितने ज्यादा अच्छे से दोनों चिक्स पे हाइलाइटर लगा और कितनी ज्यादा प्यारी ग्लो दे रहा है। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो मैंने हल्का सा हाइलाइटर अपने नोज के ब्रिज एरिया और अपने नोज के टिप पे भी लगा लिया है। अच्छा लगता है ये बहुत ज्यादा। तो मैं हल्का सा हाइलाइटर अपने लिप्स के पॉइंट पे भी लगा लूंगी कि लिप्स थोड़े से बड़े बड़े और शेप में लगे। तो लिप्स पे और आईब्रो बोन के नीचे हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक एंगल ब्रश यूज कर रही हूँ। उनके नीचे तो हाइलाइटर लगा लिया है पर मेरे को लगता है जो लिप्स पे हाइलाइटर है वो हमें लिप शेड अप्लाई करने के बाद ही लगाना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं और अपना लिप शेड अप्लाई कर लेते हैं। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे की कुशन मैट लिपस्टिक और इसमें जो मेरा शेड है वो है CM3। मेरे ख्याल से NV था इसका नाम, जो शेड है उसका नाम NV था पर यहाँ पे CM3 लिखा हुआ है। तो गाइस वैसे मैंने आपको बता दिया इस शेड का नाम एनवी है पर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा वाइन और मतलब मॉप से कलर का कोई शेड है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से इसे अप्लाई कर लेते हैं। सीरियसली गाइज आई लव दिस लिपस्टिक, इट मीन्स इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा टेस्टी है ना, और ऊपर से इसका फॉर्मूला इतना क्रीमी बटर स्मूथ और इतना अच्छा सा शाइनी सा ग्लॉस का भी इफेक्ट दे रहा है। चाहे इस पे मैट लिखा है, मैंने इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है तो मेरे को नहीं पता शायद ये एक दो मिनट तक मैट लगने लग जाए, पर अभी जैसे मैंने इसे लगाया है साथ के साथ ये शाइनी सा ग्लॉसी लुक दे रहा है लिप्स पे। तो गाइस अब जल्दी से अपने लिप्स के ऊपर भी हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ सेंटर वाली चीज पे करना है जो वी शेप बनी होती है वहां पे, कि लिप्स थोड़े बड़े बड़े और शेप में लगे। तो गाइस ये मेरी फाइनल लुक और मेरे को तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। आई होप आपको भी बहुत ज्यादा अच्छी लगे क्योंकि ये आई थिंक किसी भी पार्टी के हिसाब से चले जाएगी। बहुत ही ज्यादा अच्छा मेकअप, कुछ इतना बोल्ड या ज्यादा शिमरी नहीं लग रहा, बहुत ही सटल सा मेकअप लुक है। लिप शेड बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, आईब्रोज भी अच्छी लग रही है और हमारा बेस मेकअप भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाइलाइटर ने तो इसमें चार चांद लगाने वाला काम किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखो। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो। तो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, एक सेकेंड लगता है लाइक करने को, लाइक हिट करके जाना। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मेकअप लुक कैसी लगी। तो आप सब अपना ख्याल रखो, लव यू ऑल गाइस, बाय।